पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, यूपी लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिना कुकरेजा। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बुजुर्ग महिला को सरेराह पीटा गया है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर वृद्धा की पिटाई हुई। युवक ने बुजुर्ग महिला को सरेराह कुर्सी से पीटा। बेटी के साथ छेड़छाड़ का महिला ने विरोध किया था। पिटाई की घटना कैमरे में कैद हो गई और आरोपी फरार है। कविनगर थाना क्षेत्र के रजापुर गांव का ये पूरा मामला है गाजियाबाद का, जहां एक बुजुर्ग महिला को बीच सड़क पर पीटने का ये पूरा मामला सामने आया है। महिला ने अपनी बेटी के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध किया था, जिसके बाद युवक ने महिला को पीटना शुरू कर दिया और कुर्सियों से बुजुर्ग महिला को सरेराह पीटा। लोग वहां तमाशबीन बने रहे, आसपास के लोग खड़े होकर देखते रहे, बजाय इसके कि युवक को रोका जाता, बजाय इसके कि महिला को बचाया जाता, कुर्सियों से महिला के ऊपर वार किया गया लगातार। पिटाई की घटना कैमरे में कैद हो गई और आरोपी वहां से फरार हो गया। आप देखिए टीवी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बुजुर्ग महिला के ऊपर युवक ने सरेराह पीट पीट कर उसे गिरा दिया। आप देखिए टीवी स्क्रीन पर वो महिला दिखाई दे रही है और एक शख्स बीच रास्ते पर उसको पीट रहा है। आसपास लोग खड़े हैं जिसमें औरतें और मर्द दोनों शामिल हैं। कोई भी उस आदमी को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। किस कदर बुरी तरह कुर्सियां उठा उठा कर महिला को मारी गई है। ये वीडियो देखकर जरूर आप का दिमाग अशांत हो जाएगा, आप जरूर अशांत हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो लोग जो आसपास खड़े हुए हैं उनकी क्या नैतिक जिम्मेदारी थी। लोग वहां खड़े होकर इस पूरे तमाशे को देख रहे हैं। जब पहले हाथों से इस शख्स ने महिला को मारा तो उसके बाद भी एक बार वो उठ के खड़े होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही इस शख्स ने कुर्सियां उठाकर महिला के ऊपर उसके सर पर मारना शुरू की, उसके बाद महिला उठी ही नहीं। महिला की गलती ये थी कि अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ का विरोध कर रही थी। आप देखिए, ये देखिए टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से वो युवक दौड़ दौड़ कर आया और थप्पड़ चलाने लगा महिला के ऊपर। आसपास के लोग देखते रहे किस तरीके से हाथ पकड़कर महिला को लात घूसों से पीट रहा है। जैसे ही वो उठी उसने कुर्सी उठाई और उसके सर पर दे मारी। इसके बाद ये महिला नहीं उठी। जावेद चौधरी हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हैं। जावेद, जो दृश्य सामने आया है गाजियाबाद से, ऐसा नहीं लग रहा कि इंसान इंसानों के बीच में लग रहे हैं। जानवरों और हैवानों से भी बुरा व्यवहार यहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ करता हुआ नजर आ रहा है। सरेराह युवक द्वारा दबंगता के चलते एक महिला को छेड़छाड़ का विरोध करने पर जिस तरह पीटा गया है, कहीं ना कहीं इंसानियत और मानवता भी शर्मसार हुई है। देखा गया है कि ये रजापुर का कविनगर थाना क्षेत्र का रजापुर का पूरा मामला है और यहाँ पर सुनील चौधरी नामक युवक दबंग युवक था जो कि इस महिला से महिला की बच्ची को छेड़ा करता था। हालांकि इस महिला पे भी अवैध कमेंट लगातार किए गए हैं। महिला का जब विरोध किया गया इस महिला द्वारा, तो इस महिला को उसने सरेराह गली के कोने पर ही मारना पीटना शुरू कर दिया। और यही नहीं, आरोपी यही नहीं रुका, पास में रखी एक लोहे की कुर्सी से भी उस पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जो उस महिला को सिर सहित कई जगह ऐसी गंभीर चोटें आई हैं। इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जब पीड़िता परिवार का युवक जब घर सुखाने जाता है तो वहां पर मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और ये जो युवक दबंग युवक है सुनील यादव, ये फरार बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि महिला की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके आधार पर और आगे की जो मुकदमा है तर्मीन किया जाएगा। फिलहाल अभी आरोपी फरार है और उसको जल्दी गिरफ्तार करने की लगातार बात की जा रही है। मगर सवाल बड़ा है कि जिस तरीके से सरेराह एक महिला, बुजुर्ग महिला को जिस तरीके से एक दबंग युवक ने पीटा है, कहीं ना कहीं इंसानियत में शर्मसार हुई है, क्योंकि आसपास महिला पुरुष लगातार खड़े हुए थे। उसमें पूरे मामले में तमाशबीन बने हुए, लगातार पूरी घटना को देखते रहे, किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया। वो महिला गिर गई, गिरने के बाद जैसे उठने का प्रयास किया तब उस दबंग युवक ने फिर उस लोहे की कुर्सी उठाकर उस पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। बड़ी बात यह है कि आसपास के लोगों ने यह सब तमाशा अपनी आंखों से देखा, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। जिस तरीके से इस वीडियो में दिखाई दे रहा है जावेद, आसपास के कई लोग इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह है कि लोगों ने सामने आकर महिला को बचाने की कोशिश नहीं की? आप देखिए, पहले लात घूसों से ये युवक महिला को पीटता है, वो फिर भी उठ के खड़ी होती है, उसके बाद उस कदम उसके ऊपर कुर्सी से हमला किया कि महिला उसके बाद उठी तक नहीं। जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल, जो ये नजारा सीसीटीवी में दिखाई दिया है ये बिल्कुल आंखों देखी नजारा है, क्योंकि आसपास के लोग लगातार इस पूरी घटना को देखते रहे, चश्मदीद बने रहे, मगर किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि महिला को जिस तरीके से इस दबंग युवक ने पीटा है, वो पीटने के साथ साथ जो महिला गिर गई, गिरने के बाद जैसी महिला उठी, ऊपर उठी है, उसने प्रयास किया है तो दबंग युवक ने फिर लोहे की कुर्सी उठाई और उसका ताबड़तोड़ हमले कर दिए, यानी कि गंभीर रूप से घायल कर दिया। मगर जो आसपास के लोग महिला पुरुष सब खड़े थे, सब तमाशगीन बने रहे, किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया, यानी कि इंसानियत और मानवता बिल्कुल चूर चूर होती दिखाई दे रही है। जी वहीं दूसरी तरफ जावेद, इस पूरे मामले में क्या इस युवक को पकड़ा गया है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है इसके ऊपर? जी मैं बता दूं कि अभी अगर पुलिस की बात की जाए तो एसपीसीटी और तमाम जो थाना प्रभारी है, चौकी इंचार्ज है, हालांकि चौकी इंचार्ज ने मौके पर पहुंचकर महिला को परिजनों की सहायता से हॉस्पिटल भर्ती कराया और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास में लग गई है। फिलहाल पुलिस का मानना है कि आरोपी अभी फरार है, मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, महिला की हालत गंभीर है, वो नजदीकी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रही है। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।